Hi, this is Renuka, your content reasoning faculty. So IBPS ने PO mains cutoff 2022 में कितनी release करी थी आप directly यहाँ पे देख सकते हैं. Cutoff, last year level और इस बार का expected cutoff सब कुछ discuss करेंगे. Before that, channel पे नए हैं then don't forget to subscribe for the classes of content reasoning और आप PDF से भी अपनी preparation कर सकते हैं. देखो quant में 2.25 कट ऑफ गया था, ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ. इंग्लिश में 15.5, जीए में 4.5, रीजनिंग में 7 और डिस्क्रिप्टिव में 10. ठीक है, बाकी यहाँ पे मैं अगर आपको एक अटेम्प्ट का टोटल दिखाऊं कि ओवरऑल या एवरेज बात करूं कि कितने स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट करी थी, सो दैट उसके अकॉर्डिंग आप लेवल का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस टाइप का लेवल था लास्ट ईयर. ठीक है, क्वांट में 8 to 15 किस रेंज में स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट रहे हैं उसकी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे. क्वांट में 8 to 15, रीजनिंग में 14 to 18, जीए में 22 to 28, इंग्लिश में 25 to 30 और कई स्टूडेंट्स ने 30+ भी कर रखी थी. ठीक है, बाकी इस बार और टोटल कट ऑफ में लास्ट ईयर की बात करूँ तो 71.25 गया था. ठीक है, तो इस बार क्वांट थोड़ा डिफिकल्ट रहा इन कंपेरिजन टू लास्ट ईयर. ठीक है, देखो जीए थोड़ा इजी था और इंग्लिश उससे कहीं ज्यादा इजी था, तो इसीलिए इंग्लिश में 15.5 कट ऑफ गया था. ठीक है, बट इस बार की बात करूं तो जैसे मैंने कहा क्वांट थोड़ा टफ रहा था और यहाँ पे भी मैं एवरेज कितना कट ऑफ गया था अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स रिव्यू, कितना एवरेज कितना अटेम्प्ट किया है उसकी मैं बात करूँ तो क्वांट में 7 to 12, रीजनिंग में 10 to 15, जीए में 15 to 25 और इंग्लिश में 20+. इस बार भी इंग्लिश में 20+ किया है, मैं लास्ट ईयर 30+ कर रखी थी तो इस बार भी 20+ किया है. इंग्लिश में इंग्लिश से सबसे इजी रहा है. ठीक है, और मैं अगर मार्क्स की बात करूं तो यहाँ पे मैं अटेम्प्ट्स की बात करी सेक्शन वाइज, बट ओवरऑल मैं मार्क्स की बात करूं कि कितना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितने 2 मार्क्स के क्वेश्चंस किए हैं, कितने 1 मार्क्स के क्वेश्चंस किए हैं, ये सब एनालाइज करने के बाद उनके कितने मार्क्स एक्सपेक्टेड है ये स्टूडेंट्स के रिव्यू के बाद, तो एवरेज की बात करूँ तो 75 to 85 मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं. अगर आप भी इतना ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं वेल एंड गुड. ठीक है, मार्क्स कैलकुलेट कर लेना, आप कमेंट करना कि आपने कितने 2 मार्क्स के क्वेश्चंस किए हैं, कितने 1 मार्क्स के क्वेश्चंस किए हैं, कमेंट करना. ठीक है, उसके बाद ओवरऑल मैं कट ऑफ की बात करूं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार 69 to 72 इस बीच कट ऑफ रह सकता है ओवरऑल. ठीक है, बाकी अगर आपके मार्क्स 75 to 85 या इससे ज्यादा भी आ रहे हैं तो अच्छा है, बट इस रेंज में मैक्सिमम स्टूडेंट्स के रिव्यू के अकॉर्डिंग इस रेंज में ही उनके मार्क्स आ रहे हैं. ठीक है, सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे. कोई और डाउट या क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. बाय, टेक केयर.